Dear students, today I am present in front of you to guide you about how to prepare for NEET so that in minimum amount of time you can secure maximum marks over there. So actually NEET targets some of the chapters very effectively in comparison to the rest of the chapters which are even difficult to prepare and very rarely questions appear in that amount from those chapters. So aaj hum log baat karenge kuch aise topics ki jo ki low इनपुट लगाने पर भी बहुत हाई आउटपुट हमें देती है और ऐसे भी टॉपिक्स की बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा हाई इनपुट यूटिलाइज करने पे बहुत ही लो आउटपुट हमें दे जाती है. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हाई आउटपुट विथ लो इनपुट टॉपिक्स की, सबसे पहले मतलब कि जो ऐसे अगर हम बात करें ऐसे टॉपिक्स की जहाँ पर हमें लो इनपुट यूटिलाइज करना पड़ेगा बहुत हाई आउटपुट पाने के लिए, तो इसके अंदर सबसे पहले आती है काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स के अंदर देखिए बेसिकली काइनेमेटिक्स एक बहुत बड़ी टॉपिक है लेकिन कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स या कुछ सेलेक्टेड पोर्शन से उसमें क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक है रिलेटिव वेलोसिटी, दैट इज रिवर मैन प्रॉब्लम एंड रेन मैन प्रॉब्लम. तो हम लोग सबसे पहले उसको टारगेट कर सकते हैं, रिवर मैन प्रॉब्लम रेन मैन प्रॉब्लम, तो रिलेटिव वेलोसिटी है. और फिर हमारे पास एक चार्ट होता है काइनेमेटिक्स का, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड देन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो टाइप्स, नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन. तो इसमें से ही जनरली पूछती है वो. और प्रोजेक्टाइल के भी अगर क्वेश्चंस कभी कभार पूछ दे, हालांकि प्रोजेक्टाइल के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, बट पूछ दे तो उससे एनर्जी के ऊपर एक पूछती है प्रोजेक्टाइल की, और दूसरी चीज़ के बहुत ही एलिमेंट्री फॉर्मूले के ऊपर पूछती है. बट ये ज़रूर है कि काइनेमेटिक्स से एक से दो क्वेश्चन आते ही आते हैं और बहुत ईजिली आप उसके सेलेक्टेड टॉपिक्स को भी ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स अगर आप एनालाइज करें तो कुछ ही टॉपिक्स है जिसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं. तो अगर आप उन टॉपिक्स को ही केवल प्रिपेयर करते हो तो काइनेमेटिक्स में आपका काम हो जाएगा. देन देर इज़ अ चैप्टर करेंट इलेक्ट्रिसिटी. तो अगर हम करेंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक क्वेश्चन तो ऑब्वियसली अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से आता है. अब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को हम हार्डली 1 से 2 घंटे के अंदर तैयार कर सकते हैं हम लोग. सो दिस इज़ वेरी ईजी टू प्रिपेयर इन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम और इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा. और जो दूसरा क्वेश्चन आता है करेंट इलेक्ट्रिसिटी से वो जनरली पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह पूछती है या तो उसके थियोरेटिकल पोर्शन जो है कभी कभार आपसे वो पूछ लेगी. इनफैक्ट कभी कभार तो कलर कोडिंग तक पूछ लेती है करंट इलेक्ट्रिसिटी में. लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी से हम एक क्वेश्चन तो पक्का प्रिपेयर कर सकते हैं अगर 1 से 2 घंटे में हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्रिपेयर कर पाए. फिर से हमारे पास जो नेक्स्ट इजीली स्कोरिंग टॉपिक है वो है सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर्स के अंदर एक्चुअली होगा क्या कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पूछेगी जो आपके एनसीईआरटी के अंदर नहीं हो. सेमीकंडक्टर इज अ टॉपिक विच इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट. जैसे अगर हम बात करें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की तो आपको नई डिस्कवरी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में नहीं हो रही, बट सेमीकंडक्टर इज अ डायनामिक टॉपिक, कंटिन्यूअसली उसके ऊपर रिसर्च वगैरह चल रही है. तो नो एग्जाम इज गोइंग टू टेक रिस्क ऑन डेवलपिंग वेरी हाई फाई क्वेश्चंस फ्रॉम सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर से ही आएगा. उसमें केवल और केवल आप एनसीईआरटी की जो डेटा है, एनसीईआरटी में जो ग्राफ्स है जैसे कि सोलर सेल का ग्राफ है या तो एलईडी की जो वर्किंग एलईडी के पैटर्न, आपकी जो लाइट एमिटिंग डायोड हो गई या तो फोटो डायोड हो गई, मतलब जनरल पर्पस पीएन जंक्शन जो डायड है, या तो उनकी थ्योरी से कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा या तो गेन से क्वेश्चन पूछ लेगा और इन्हीं टॉपिक्स में से पूछेगा. मतलब बेसिकली वो आपके एनसीईआरटी की थ्योरी के अंदर से ही पूछेगा जहां तक हम बात करें अगर सेमीकंडक्टर्स की. तो सेमीकंडक्टर्स इज अगेन अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक क्योंकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा लॉजिक गेट्स, वो तो आप बहुत हार्डली हाफ एन आवर में लॉजिक गेट्स को परफेक्ट कर सकते हो. तो 2 क्वेश्चन सेमीकंडक्टर्स आएंगे, एनसीईआरटी के अंदर से ही आएंगे और आप बहुत ईजिली स्कोर कर सकते हो. Then there is a very important topic that is heat and thermodynamics. Heat and thermodynamics को आप hardly 4 से 5 दिनों के अंदर बहुत efficiently prepare कर सकते हो और heat and thermodynamics आपके 4 question पक्का आएंगे. तो this is very useful topic. आप 3 से 4 दिनों के अंदर heat और thermodynamics, thermodynamics अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा आप Carnot cycle वगैरह देख लेना और जो table होती है work की internal energy की वो table अपने mind में रखना. दैट इज़ क्योंकि हमारे सिलेबस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को छोड़ के कुछ है नहीं. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कार्नोट साइकिल है, रेफ्रिजरेटर है. तो उसी में से बेसिकली क्वेश्चन आएंगे. केटीजी ज़्यादातर आप केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हो तो केटीजी में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आती है. देन देर इज कैलोरीमेट्री जिसमें कि बेसिकली 2 ही फॉर्मूले पर कैलोरीमेट्री चल रही होती है, Q=mc∆T एंड Q=ml. तो बहुत ईजी. और उसका जो पहला चैप्टर है थर्मोमेट्री, बेसिकली वर्किंग ऑफ थर्मोमीटर्स, तो वो भी बहुत ज़्यादा ईजी है. तो आप 3 से 4 दिनों में इनको मास्टरी कर सकते हो और बहुत ईजिली हो जाएंगे ये. उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जिसमें बहुत इजीली इसको स्कोर कर सकते हैं वो है हमारा ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन जो है वो फार्मूला बेस्ड ही आता है उसके अंदर और बहुत इजीली हम ग्रेविटेशन को 1 दिन से 2 दिन के अंदर ग्रेविटेशन हम बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं. और ग्रेविटेशन में हमें एक इनलुक या ग्रेविटेशन के बारे में हमें आइडिया भी होता है, कुछ उसके ग्राफ्स वगैरह केवल हमें ध्यान देने होते हैं.
तो अगर वो ग्राफ्स वगैरह हम अच्छे से पढ़ लें तो ग्रेविटेशन में, और बेसिकली क्योंकि ग्रेविटेशन आपका वैसे ही स्ट्रांग होगा अगर आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ी हुई हो, थोड़ा बहुत आइडिया होगा, ग्रेविटेशन के ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से सॉल्व हो जाते हैं। तो वन थिंग इज ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन एक बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के मैं एंटायर मैग्नेटिज्म नहीं बात कर रहा हूँ, अगर आप EMI और AC के अंदर जाएगा तो हो सकता है कि थोड़ा, क्योंकि मैथमेटिकल अप्रोच कम ही होता है बायो के बच्चों का, तो इसलिए हो सकता है कि वो आपको इतना ज़्यादा इफेक्टिवली आप नहीं कर पाओ, बट उसके जो पहले तीन चैप्टर्स हैं जो कि सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फिर से फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल मूव करती है तो उस पर फोर्सेज कैसे एक्ट करते हैं, और जो आपका अर्थ मैग्नेटिज्म वगैरह वाला पार्ट है वो बहुत ईजिली आप स्कोर कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल फार्मूला बेस्ड आता है, जैसे कि सर्कुलर वायर के सेंटर पे क्या होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड, या तो आर्क के सेंटर पे क्या होगी, या स्क्वायर है उसके सेंटर पे क्या होगी, एक लाइन है, लाइन जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी या करंट कैरी कर रहा है, तो उससे इस डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे क्या होगी, तो इन्हीं फॉर्मूले पे आता है क्वेश्चन बेसिकली। और एम्पियर सर्किटल लॉ है, एम्पियर सर्किटल लॉ को आप यूटिलाइज कर सकते हो। और जो नेक्स्ट लो इनपुट एंड हाई आउटपुट वाले टॉपिक्स हैं उसमें हमारे पास है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम स्टार्ट कर सकते हैं एटमिक स्ट्रक्चर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, न्यूक्लाई, एंड देन वी आर हैविंग द सेमीकंडक्टर, जिसके बारे में मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूं मैं ऑलरेडी आपके सामने। सो अगर हम इन तीन चैप्टर्स को करें, एटमिक स्ट्रक्चर क्योंकि ऑलरेडी केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ चुके हो एटमिक स्ट्रक्चर को, वही सारी चीज़ें होती हैं हमारी जो स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज होती है, लाइमन बाल्मर पाश्चन पी फंड ब्रैकेट, ये जो सीरीज होती है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, रेडियस के ऊपर आता है, एनर्जी डिफरेंस के ऊपर आता है, जो ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। और फिजिक्स में जो एक्स्ट्रा चीज़ें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वगैरह, हालांकि उस पर क्वेश्चन कम ही आता है, बट अगर आप चाहो तो उसको बहुत इजीली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से अगेन सॉल्व कर सकते हो आप लोग। तो बहुत ही इजीली आप 2 से 3 दिनों के अंदर बहुत अच्छे से मॉडर्न फिजिक्स को तैयार कर सकते हो। इसमें रेडियो एक्टिव वाला जो पार्ट है, रेडियो एक्टिविटी वाला, रेडियो एक्टिव डिके सीरीज और रेडियो एक्टिव डिके लॉ, उसको थोड़े अच्छे से स्टडी कर लेना क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। और मेरा सजेशन है कि इन सारे चैप्टर्स पे पिछले ईयर्स के जेई मेन और जेई एडवांस्ड के क्वेश्चन एक बार देख लेना आप लोग। जेई एडवांस्ड के सारे क्वेश्चन नहीं, पर वो क्वेश्चन जो कि नीट से ताल्लुक रखते हो या फिर इतने ईजी हो, ज़्यादा मैथमेटिकल ना हो, जिसको नीट जो है वो यूटिलाइज करती हो। तो ये सारी चीज़ें हम, ये सारे जो चैप्टर्स थे हमारे, इन पे आप थोड़ा विशेष ध्यान देना क्योंकि कम समय में आप ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। ऐसे एक चैप्टर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उससे एक क्वेश्चन आता है जिसको आप हार्डली 20 से 25 मिनट में तैयार कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब हम ऐसे चैप्टर्स पे आते हैं जिनसे क्वेश्चंस तो आते हैं खूब सारे, बट वो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है और जिसमें आपके कंसेप्ट को बिल्ड करना पड़ेगा। हाई आउटपुट हाई इनपुट वाले जो टॉपिक्स हैं हमारे पास, उनमें पहला जो टॉपिक है वो है रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स के अंदर बेसिकली क्या है कि आपको समय तो लगेगा प्रिपेयर करने में, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं, लाइक जनरली 2 से 3 क्वेश्चंस रे ऑप्टिक्स से आ जाते हैं। पर इसमें मैं आपको एक हिंट देता हूं कि आप एक क्वेश्चन तो इसका पक्का कराओगे अगर आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को तैयार कर लो, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें जनरली माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप से होता ही होता है। तो एक क्वेश्चन तो इसमें आपका बहुत ही ईजिली हो जाएगा जो कि लो इनपुट एंड हाई आउटपुट टाइप का है, लेकिन अगर आप पूरे चैप्टर को देखो तो इट इज़ हाई इनपुट एंड हाई आउटपुट चैप्टर, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं बट जनरली थोड़ा बड़ा चैप्टर, इसको तैयार करना थोड़ा टाइम लगता है इसको तैयार करने में। नेक्स्ट हमारे पास ऐसा ही चैप्टर है रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन से जनरली 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, पर अगेन अगर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट इसका तैयार है तो इसको आप लो इनपुट और हाई आउटपुट में मान सकते हो, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर रोटेशनल मोशन से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन उसके अंदर पक्का मोमेंट ऑफ इनर्शिया से होगा। पर क्योंकि ओवरऑल चैप्टर को अगर हम देखें तो ओवरऑल इट इज़ अ वेरी लार्ज चैप्टर, सो In preparing the entire rotational motion, it is time consuming, but it's also a chapter from which questions generally come in NEET. So therefore, we can consider this as high output, high input topic. उसके बाद हमारे पास center of mass, impulse, momentum, collision. Center of mass से question आते हैं NEET के अंदर, but अगर हम बात करें center of mass, impulse, momentum and collision की, तो generally ये conceptual topic है, formula based topic नहीं है। हालांकि सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हमारे पास, लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए रिलेटेड टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो थोड़ा सा बच्चों का अगर वो कंसेप्चुअली साउंड नहीं है तो उसको अप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि हम बोट के इधर से इधर जा रहे हैं तो बोट कितनी पीछे आ रही है, या प्रोजेक्टाइल मिड एयर टूट जाए, तो अगर इसके कंसेप्ट आपको क्लियर है तब तो बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन, लेकिन अगर कंसेप्चुअली थोड़ा आप लैग कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं, प्रैक्टिस मांगते हैं। पर क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं तो इसीलिए हम लोग जनरली इसको हाई आउटपुट हाई इनपुट टॉपिक में रख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हाई आउटपुट हाई इनपुट टॉपिक में हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन साथ साथ प्रिपेयर्ड हो जाती है खाली चैप्टर्स में, थोड़ा बहुत जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम मूव करते हैं गॉस लॉज वगैरह, हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉज और ग्रेविटेशन में भी जो गॉस लॉज वगैरह हैं
एज इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक से गॉस लॉस ग्रेविटेशन में यूटिलाइज हो सकते हैं, एज इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक से कूलम्स लॉ ग्रेविटेशन के, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फॉर्म में अप्लाई हो सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो वर्क डन होती है वो भी ग्रेविटेशन में बिल्कुल वर्क डन सेम टू सेम वैसी ही होती है। तो बिल्कुल ही ये चैप्टर्स एक दूसरे की एनालॉजी है, एक दूसरे से बिल्कुल सिमेट्रिकल है। अंतर केवल जाकर के लास्ट पार्ट में आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, जहाँ पे हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर वगैरह पढ़ते हैं, और इधर ग्रेविटेशन के अंदर आ जाता है जहाँ पे हम लोग जनरली टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट्स वगैरह पढ़ते हैं, वही थोड़ा सा पार्ट अलग है। अदरवाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर आपने ग्रेविटेशन अच्छे से पढ़ी होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ज़्यादातर कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, और वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो ग्रेविटेशन के ज़्यादातर कंसेप्ट आपको क्लियर हैं, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं हर साल। तो इसीलिए, क्योंकि बड़ा चैप्टर है तो हम इसको हाई इनपुट में रख रहे हैं, बट क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं तो हाई आउटपुट भी है। तो इट इज़ हाई इनपुट हाई आउटपुट टॉपिक। देन देयर इज ऑसिलेशन। ऑसिलेशन की अगर हम बात करें तो हम SHM और वेव्स की बात कर रहे हैं। SHM और वेव्स अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 11th क्लास में आप देखते हो लगभग दो महीने चलती है SHM एंड वेव्स कंबाइंड। तो SHM एंड वेव्स एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए हाई इनपुट तो है ही खैर, बट इससे क्वेश्चन लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आते हैं अगर हम SHM और वेव्स को कंबाइन कर दे तो। हालांकि वेव्स के अंदर अगर हम 2-3 चीज़ों पर विशेष ध्यान दें, जैसे कि ऑर्गन पाइप्स हो गई, उसके बाद फिर रेजोनेंस ट्यूब हो गया हमारे पास, उसके बाद फिर जनरल डिस्क्रिप्शन, जनरल मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ वेव्स अगर हम देखें, डॉपलर इफेक्ट और बीट्स, तो ये कुछ 4-5 टॉपिक्स नीट के फेवरेट हैं जिनमें से क्वेश्चन पूछती ही रहती है वेव से। तो अगर हम टॉपिक फोकस्ड होकर के करें तो ये लो इनपुट वाली है, लो इनपुट हाई आउटपुट, बट अगर हम टॉपिक फोकस्ड ना होकर पूरे चैप्टर को रिगरसली तैयार करें तो ऑब्वियसली ये हाई इनपुट चैप्टर है। SHM और वेव्स दोनों को कंबाइन करके अगर हम ऑसिलेशन की बात करें तो इट इज़ अ हाई इनपुट चैप्टर, बट इट इज़ हाई आउटपुट ऑल्सो, बिकॉज 3 to 4 क्वेश्चन कम इन नीट एवरी ईयर फ्रॉम SHM एंड वेव्स, दैट इज फ्रॉम ऑसिलेशन। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी से एक क्वेश्चन पक्का रहता है। वर्क पावर एंड एनर्जी एक हाई आउटपुट टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि अगर आपका वर्क एनर्जी एंड पावर क्लियर है तो आगे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बहुत अच्छा हो जाएगा, ग्रेविटेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा, रोटेशनल मोशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। वर्क एनर्जी पावर के बाद के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे वर्क पावर एंड एनर्जी के, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम और रादर पावर, पावर कंसेप्ट, ये सारी चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं। तो वर्क एनर्जी पावर जो है, या वर्क पावर एनर्जी जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस के लिए। दो फंडामेंटल चैप्टर्स जो फिजिक्स में, जिसको मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कमांड कर लीजिए, एक वर्क पावर एंड एनर्जी है और एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। अगर ये दोनों चैप्टर्स आपको क्लियर हैं तो आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत मदद मिलेगी आप लोगों को। और भी हमारे जो हाई वेटेज विथ हाई इनपुट टॉपिक्स हैं उसके अंदर है वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स जनरली एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि हमारे पास या YDSE है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, देन वी आर हैविंग डिफ्रैक्शन, और उसके बाद है हमारे पास पोलराइजेशन, फिर इसके बाद डॉपलर इफेक्ट इन लाइट आती है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप आता है। तो ये सारी छोटी छोटी टॉपिक्स और इसके अंदर आती है, बट इसको प्रिपेयर करने में जनरली आपको 3 से 4 दिन एक ही चैप्टर में लगेगा अगर इसमें आपको मास्टरी हासिल करनी है या अगर इसका क्वेश्चन आपसे नीट में सॉल्व होना है तो। और लेकिन क्योंकि जनरली इससे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं वेव ऑप्टिक्स से, तो इसीलिए वी आर कंसिडरिंग दिस एज हाई इनपुट एंड हाई वेटेज, या हाई आउटपुट टॉपिक। अब जो टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये लो वेटेज टॉपिक्स हैं विथ लो इनपुट। तो लो वेटेज टॉपिक्स विथ लो इनपुट में हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है कैपेसिटर्स। जनरली कैपेसिटर से क्वेश्चन कम ही आते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये छोटा सा चैप्टर है, इसको हम बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, बट देखा जाए है जनरली कि इसमें इससे क्वेश्चन जो है कम ही आते हैं। हालांकि कैपेसिटर्स, अगर मान लो आपको पहले से ज़्यादा आइडिया नहीं है कैपेसिटर्स के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थोड़ा अगर आपका हाथ तंग है तो इसको प्रिपेयर करना आपके लिए डिफिकल्ट होगा, पर इससे क्वेश्चंस भी कम ही आते हैं। सो वी आर पुटिंग इट इन द कैटेगरी ऑफ लो इनपुट एंड लो वेटेज टॉपिक, या लो इनपुट एंड लो आउटपुट टॉपिक। नेक्स्ट जो हमारे पास लो वेटेज विथ लो इनपुट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC से जनरली 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, पर ये अगर हम बात करें जनरली तो ये तैयार, एक्चुअली ये 2 चैप्टर्स हैं, बट इससे भी बड़ा चैप्टर, इसको एक चैप्टर मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप SHM वेव्स ऑसिलेशन को एक चैप्टर मानो तो ये हाई आउटपुट हो जाता है। उसका रीजन ये है कि इसमें से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, बट अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC को एक चैप्टर मान करके चलें तो इसमें जनरली एक ही क्वेश्चन आता है, एट मैक्स 2 आ जाएगा कभी कभार, तो इसलिए इसको हम लो आउटपुट बोल रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और AC को तैयार करना इतना कोई खास डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर आपको SHM का आइडिया है और वर्क पावर का आइडिया है, अगर आपको आपको एवरेज वैल्यूज वगैरह निकालनी आती हैं तो AC बहुत ही ईजी टॉपिक है। और अगर आपने मैग्नेटिज्म में भी पहले मेहनत किया है तो AC और EMI बहुत ईजिली आप तैयार हो जाएगा आप लोगों का। हालांकि EMI एंड AC कंबाइंडली एक बड़ा टॉपिक आप मान सकते हो क्योंकि इसके अंदर इंडक्शन वगैरह सब कुछ हो जाता है,
और चैप्टर, और क्योंकि इससे क्वेश्चन बस एक ही से दो आते हैं मैक्सिमम, तो इसीलिए इसको हम लो आउटपुट एंड लो इनपुट कैटेगरी में रखेंगे इसको। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन एंड एरर एनालिसिस सब मिल करके उसमें से एक क्वेश्चन आता है। यूनिट डायमेंशन, एरर एनालिसिस और जितनी भी डायमेंशन के हमारे यूटिलाइजेशंस हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हो गई और डिराइविंग अ फार्मूला यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, वो सारे लॉज जो हैं, वो सारे लॉज को अगर हम देख लें, उसके बाद एरर एनालिसिस पूरी पढ़ लें, और जितने भी बेसिक्स हम पढ़ते हैं फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले, ये सारी लगभग जो एक महीने के आसपास चलती है, जो कि आप जनरली 2-3 दिनों में तैयार कर सकते हो अच्छे से, बट इसमें से क्वेश्चन सब में से मिल करके एक ही आएगा, तो इसको हम लो इनपुट और लो आउटपुट कैटेगरी में रख रहे हैं। लो इनपुट इसलिए क्योंकि चीज़ें आसान है अभी के स्तर पे, अगर आप देखो जबकि नीट के बहुत करीब हो तो अब अभी चीज़ें आपको आसान लगेंगी, तो इनपुट आपको कम लगेगा उसमें, लेकिन क्योंकि एक ही क्वेश्चन आना है उसमें से, तो उसको हम लोग लो आउटपुट कैटेगरी में भी रख रहे हैं। अब कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हैं हमारे पास जिसमें कि आप काफ़ी मेहनत कीजिएगा पर हो सकता है कि परिणाम वैसा ना मिले, या जाकर कितनी भी मेहनत कर ले वहां पर जाकर के क्वेश्चन हमसे गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा मैंने जनरली पढ़ाते हुए देखा कि बच्चे जनरली वर्टिकल सर्कल वगैरह से घबराते हैं, सर्कुलर मोशन का जनरली उनको आइडिया नहीं लग पाता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन ये कैसे एक्ट करती हैं, या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन इनसे डिफरेंट कैसे है वो। और जहाँ तक वर्टिकल सर्कल की जब बात आती है कि कोई भी पार्टिकल कहाँ से लीव कर देगा वगैरह, तो क्योंकि वो वर्क एनर्जी को भी इन्वॉल्व कर लेता है, तो सर्कुलर मोशन जनरली थोड़ा सा आप लोग को समझने के लिए अगर हम बात करें, तो सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो जनरली इट इज़ कंज्यूमिंग, इट इज़ टॉपिक दैट डिमांड्स एफर्ट, ठीक है ना, और उसके बाद भी ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें कंप्लीट मास्टरी हासिल कर पाओ। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें कि आपको काफ़ी हाई इनपुट लगेगा लेकिन आउटपुट लो मिलेगा, वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आप और फ्रिक्शन को जनरली आप पढ़ने जाओगे तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, और इसमें से कोई सिलेक्टेड पोर्शन भी इंपॉर्टेंट पोर्शन नहीं हमारे पास जहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शंस की अगर हम बात करें तो बड़ा टॉपिक है, इसको समझने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है ना। और जनरली अगर हम बात करें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की तो कंस्ट्रेंट मोशन वगैरह बड़े बड़े टॉपिक्स हैं इसके अंदर, जिससे नीट बहुत ही कम क्वेश्चन पूछती है। इनफैक्ट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से अगर पूछती हुए कभी कभार तो बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन, अदरवाइज नहीं पूछती है, और फ्रिक्शन से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूटिलाइज नहीं करती है, कभी कभार केवल जब बैंकिंग वगैरह पे उसको यूटिलाइज कर लेती है सर्कुलर मोशन के साथ कंबाइन करके। सो दिस इज वेरी हाई इनपुट टॉपिक बट इसमें से आपको आउटपुट बहुत कम मिलने वाला है। सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज अनदर टॉपिक विच इज अ वेरी हाई इनपुट बट लो वेटेज टॉपिक। और नेक्स्ट है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स ऐसी टॉपिक है जो कि पहले जब तक AIPMT हुआ करती थी तो कभी अपियर भी नहीं हुआ करती थी एग्जाम के अंदर, पर जब से नीट इनिशिएट हुई है या जब से नीट अपने एक्शन में आई है तो फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन आ तो रहे हैं, लेकिन अभी भी फ्लूइड मैकेनिक्स एक रिलेटिवली लार्ज चैप्टर है जिसे एक पर्टिकुलर केवल क्वेश्चन आता है। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि पूरी की पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स को तैयार करने में हमें एफर्ट तो बहुत ज़्यादा लगेगा, बट जो क्वेश्चन आने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स से वो एक क्वेश्चन आने वाले हैं, एक क्वेश्चन आने वाला है जो कि पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स अच्छे से पढ़ने के बाद भी श्योरिटी नहीं होगी कि आप उस दिन आपको वो स्ट्राइक कर जाए। और अगर ऐसी श्योरिटी के साथ आपको फ्लूइड मैकेनिक्स तैयार करनी है तो फिर बहुत ही ज़्यादा हाई इनपुट टॉपिक रहेगा आप लोगों के लिए, खास तौर पे जो बायो के बच्चों हो उन लोगों के लिए, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ी सी मैथमेटिकल हो जाती हैं चीज़ें फ्लूइड के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए इसको भी हम लोग रख रहे हैं हाई इनपुट विथ लो वेटेज कैटेगरी में। तो होपफुली हम लोगों ने पूरी की पूरी फिजिक्स को डिवाइड कर दिया है। जो पहला सेक्शन मैंने आपको बताया था वो हाई वेटेज विथ लो इनपुट था, जो दूसरा सेक्शन मैंने आपको बताया वो हाई वेटेज विथ हाई इनपुट था, जो तीसरा सेक्शन मैंने आपको बताया वो लो वेटेज विथ लो इनपुट था, और जो चौथा सेक्शन मैंने आपको बताया वो लो वेटेज विथ हाई इनपुट था। तो आप इन टॉपिक्स को या जो पूरा फ्रेम चार्ट है इसको अपने माइंड में रख करके आप प्रिपेयर कीजिए, और होपफुली आप बहुत अच्छा कीजिएगा नीट में।